जो जमा हमने तोड़ी है ये जामने। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, वेलकम बैक टू मैनी व्लॉग। तो अभी जी आज जुमा है, तो जुमा पढ़ के अभी वापस आए हैं। तो हमारी जो टैंकी है वो तकरीबन फुल हो गई है। जुमे के वक्त जो है बिजली चली गई थी, तो फिर टैंकी के साथ आए, अभी बिजली आई है तो टैंकी भरने के लिए ऊपर आए, तो टैंकी बढ़ गई है, तो टैंकी को अभी बंद कर देते हैं। तो गाइस, जो डेली व्लॉगिंग करना आजकल ना बहुत मुश्किल काम हो गया मेरे लिए, तो मेरे से तो डेली व्लॉगिंग नहीं हो रही। कैसे होऊंगा कि भी कैसे अकेला हूँ और काम भी कुछ भी नहीं होता, तो यही काम होते हैं जो घर में करता रहता हूँ। तो फिर अगर आप ये देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें कि ताकि मैं ये भी वीडियोज बनाया करूँ। लेकिन वैसे जहाँ तक मुझे इलम है कोई देखता नहीं है, लेकिन कोई नहीं, मैंने कहा चलो एक व्लॉग ऐसा भी डालते हैं। तो जाना तो फिर शुगर मेला जो है वो लगता नहीं है, और ना ही रोज रोज किसी की बढ़ जाती है, ना हम कहीं पर जाते हैं। तो भी चलते हैं नीचे खाना खाते हैं। तो खाने में है जी आलू और गोश्त का छोरबा और साथ चिच्छा, तो खाते हैं खाना। तो गए अभी शाम के 6 बज चुके, तो मैं आ गया छत पे। पैर खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा सो गया था, तो अभी उठा हूँ, तो अभी छत पे दूसरों को दाना वगैरह डालने के लिए, तो इन्हें डालते हैं दाना। हेलो, क्या हालचाल है? ठीक है, ठाक है। एक माशाल्लाह वो चूजा है जो सबसे बड़ा हो गया, और उसके बाद वो है वो साथ, उसके बाद मुझे ये लग रहा है, ये मुझे लग रहा है मुर्गा है, जो ये मुर्गी लग रही है, वो भी मुर्गी लग रही है, और ये वाला भी जो है ना ये भी मुर्गी लग रही है, और मुझे ये भी लग रहा है कि मुर्गा होगा। तो ये सबसे ज्यादा कमजोर है, पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा कमजोर है। खाता कम है, थोड़ा खाता है। अभी इन्हें मैं डाल देता हूँ दाना वगैरह। चलो जी, पानी वगैरह डालिया, बाकी जो चूजे हैं वो तकरीबन सारे बाहर निकल गए, सिर्फ यही अंदर रह गए। चलो अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, शाबाश 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 शाबाश, अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो, वापस 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 वापस, हाँ शाबाश 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 शाबाश, चलो अंदर चल अंदर चल, तू भी चल तू भी चल 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 चल, शाबाश। ये जो टाइम होता है ना 6 से 7 7:30 तक मगर तक का टाइम, तो अगर घर में ना हो तो ये काफी ज्यादा बोरिंग हो जाता है, तो दिल भी नहीं लगता। कभी मैं छत पे आता हूँ, कभी नीचे चला जाता हूँ, तो फिर दिल नहीं लगता, फिर थक हार के फिर मुझे बाइक जो है अपनी बाहर निकालनी पड़ती है। लेकिन आजकल जो है पेट्रोल जितना महंगा हो चुका है, तो बाइक निकालने का भी नहीं दिल करता, बहुत ज्यादा महंगा हो गया पेट्रोल। तो काफी देर हो गई, वैसे तो मैंने मोटर ब्लॉगिंग भी छोड़ी हुई है, तो सेटअप जो अभी मोटा भाई भी छत पे आ गए। जामन तोड़ कहे पेंड उसे कितने लगी पेंड जगह अपने पिंड है चली चल लगे कि चल ठीक है चल। अभी हमारा प्रोग्राम बन गया है गांव जाने का, तो जामने वगैरह जम्मू जिसे कहते हैं वो तोड़ने का, तो वो चलते हैं। मैं वैसे यही सोच रहा था कि आज वाला जो शाम है वो कैसे गुजारनी, क्योंकि जो बाइक मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि पेट्रोल काफी ज्यादा महंगा था। तो मैं सोच रहा था बाइक निकाल दूं या क्या करूं, कैसे शाम गुजारूंगा। तो अभी प्रोग्राम हमारा बन चुका है, तो चलेंगे गांव और जामन जो है वो तोड़ेंगे। चले जी, नवीब भाई भी आएगा साथ, सलमान भाई है, तो ये आपने पहली बार दवाई हमारे व्लॉग में देखे हैं। अभी जा रहे हैं हम गाँव। तो अभी सलमान भाई है गांव पे गए हैं शपर वगैरह लेने के लिए, नवीब भाई खाली हाथ ले गए, खाली आ जाएगा जामरा के झोली पे आके लेके आनी है। गांव में हम पहुंच चुके हैं, तो वो सामने जो दरख्त लगा हुआ जामन का, तो वो जाके जामन वगैरह देखते हैं तोड़ते हैं। कहते तो आए लगी हुई, तो इनका ही है ये जो जा रहे हैं, ये इनका ही है, तो जाके देखते हैं जामन वगैरह लगी कि नहीं लगी। शापर देखो ये जी जामन का दरख्त, तो जामन वगैरह लगी हुई है, लेकिन थोड़ी है यार, उतारनी कैसे है यार, वो है ना बस हुई पई है, कुछ है ही नहीं, लगी ही नहीं है जामन, अजे लगी नहीं। ओ भाई मैं जामन वास्ते लै गया, इस भाई ने मैं बिस्त कराया, जामन कोई नहीं है, सारियां गन्नियां जामन। हाँ जामन किधर है? ये तो अंब का दरख्त लगता मैं, जामन का नहीं है जामन भाई, दरख्त एक छड़ के एक लगी है, तो किदा च लानी, तो किदा वा जामन 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 यार इदां नहीं है, ओ उत्ते लगी हैं, ओ उत्ते लगी हैं छोटियां, वो
डीडियां लगी फायदा कोई नहीं। चलिए जी गाइस, हम आए थे यहाँ पे जामन वगैरह तोड़ने के लिए, तो हमारा यहाँ पे पोपट हो गया, चौपट हो गया, पोपट हो गया, पोपट चौपट दोनों काम हो गए हमारे यार। चलो कोई नहीं, ये हम प्रैंक कर रहे थे, प्रैंक ये हमारा प्रैंक हो गया। ये मोटा भाई ने जामन गिरी, गिरी है यार, मुझे लगी है ये, इस तरह की जामन है यार। ये देखो, ये खाने के लायक नहीं है, ये देख खा सकते, हम खा लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं करेंगे हम, पक्की खा लेनी, कच्ची छोड़ देती है जी, आ कच्ची है। जामन तोड़िए, तो ये थोड़ी सी अच्छी लग रही है मुझे जामुन, ये देखें ये चक्कर, तो ये खाते हैं। सुनाओ छापर तो दिखाएं यार, कितने ले गए इसे ये एक छापर है, इस तरह के हमारे पास दर्जनों छापर है, और ये चेक करें छापर, चेक करें ये छापर, चेक करें जामने चार पांच मिली है, हमारे पास 12-13 छापर है, ये हमारे साथ जाती है। जो जामन हमने तोड़ी है ये जामने ये तो प्रैंक हो गया हमारे साथ। नवी भाई ऐसे क्यों करते हो, ऐसे क्यों करते हो, जामन लगी तो ये, लेकिन ऊपर बहुत ज्यादा है, ऊपर चढ़ेगा कौन इसके, आ जामन अच्छी लगी है, अच्छी लगी अच्छी। जितनी मेहनत करके इतनी कट्ठी की है ना यार, ये खा लो, ये तो खाओ ना, जितनी मेहनत की कमाई है आपकी, इसमें तो बरकत डालेंगे। हाँ ये सब भाई आप पी लो, मोटा भाई आपने जाती की है, तो ये भाई आप ही ले लें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोई अच्छी भी तोड़ी थी, हाँ ठीक है, अभी वो भाई आ गए थे तो वो कह रहे हैं कि कच्ची जामन लगी है वो ना तोड़े, तो फल जाया होता है, इसलिए फिर हम रुक गए। तनवीर भाई जो है हार मानने को तैयार नहीं अभी तक, वो कह रहे हैं आए हैं तो लेके जाएंगे लेकिन लेके क्या जाएंगे ये नहीं पता, छापर तो खाली लेके आ गए, खाली छापर लेके जाएंगे। जामन तो वैसे यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन ये इस तरह की जामन नजर आ रही है ना, ये किस्म की कच्ची है, बीच में पक्की है, तो ये थोड़ी सी पक्की एक दो लगी हुई है, तो इस तरह है वक्फे के साथ सारी लगी हुई है। तो ये नवी भाई दो चार तोड़ के लाए हैं, और ये एक तो अच्छी है और एक अच्छी है, तो ये सूरत हाल है यहाँ पे, तो यहाँ पे आए थे जामन लेने के लिए, लेकिन जामन यहाँ पे है नहीं, चलो खैर है अभी वापस ही चलेंगे। चारे ये छापर देखे बड़े मान के साथ लेके आए यार, मुझे छापर देख तरस आया ना, थोड़े देखते किस छापर दिखा दो, उन्हें थोड़ा एक ही छापर भर दूंगा, तरस आएगा थोड़े उत्ते, बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ पे आए थे, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा, बाद का तो ऐसे भी हो जाता है। चले ठीक है, जामना खा रहा है, कितने लग जानी है, सजा के रखनी है कि असि गए थे आ मिलेगा है नवी भाई, जुलम करता तू बच्चे बच्चे जुलम करता, ओके फिर बाय।
चलिए गए थे एक नाकाम मिशन के बाद हम आ गए हैं घर। तो दरअसल हुआ ये कि नवीद भाई ने किसी से पूछा था कि जामुन वगैरह कहाँ पे लगे हैं, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे लगे हैं तो काफी ज्यादा लगे हैं, तो आप लोग चले जाएं। तो हम यहाँ पे जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे आपने देखा है कि जामुन जो लगी थी वो कच्ची थी या तो फिर ऊपर काफी ज्यादा ऊपर लगी थी। तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना सीढ़ी थी और ना हम दरख्त पे चढ़ सकते थे। अगर चढ़ भी जाते लेकिन वहां तक हाथ नहीं जाना था जहाँ पे जामुन लगी थी, तो जो हमारा मिशन था वो इम्पोसिबल रहा। तो वैसे ही काफी ज्यादा मजा आया, आउटिंग हुई हमारी और आपकी भी होगी होगी। तो अभी जो मैं व्लॉग है वो एडिट करने लगा और आपका अगर आज वाला व्लॉग अच्छा लगा है तो इस वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी मोटिवेशन के लिए और आपकी सपोर्ट के लिए। इतना ही, अल्लाह हाफिज़।